नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम कुलगाम मुठभेड़ के हवाले से, जो अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये बताया गया कि कुलगाम मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है और उसी के साथ एक पुलिस के जवान ने इस मुठभेड़ में शहादत पाई। और अपडेट ये सामने आ रहा है कि पैतृक गांव जगती पहुंचा शहीद रोहित चिप का पार्थिव शरीर और हर किसी की आंखें इसमें नम है। परिवार में कोहराम मचा है और कुलगाम मुठभेड़ में जो सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रोहित चिब जो शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जगती पहुंचा है। आज शाम जम्मू के जोगी गेट शमशान घाट पर पंचतत्व में वे विलीन होंगे और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं हर किसी की आंखें नम हैं। जिस तरह से रोहित चिब ने शहादत पाई है, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ने कल कुलगाम मुठभेड़ में शहादत पाई थी और आज इनका जो पार्थिव शरीर है वो पैतृक गांव जगती पहुंचा है और हर परिवार में कोहराम मचा है। जाहिर तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीत रही होगी इनके परिवार वालों पर, किस तरह से इनका रो रो का बुरा हाल है। तस्वीरों में इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ अनिल ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता जी। अनिल बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या आपको जानकारी है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात कुलगाम के अंदर 8 बजे के इनकाउंटर शुरू होता है। उस दौरान जो है सेना की टुकड़ियां वहां पर तैनात होती है और सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू कर देती है। और उस समय एसओजी विंग का अगर जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा पैमाने का ग्रुप माना जाता है और उसी में रोहित चिप जी का जिक्र करना चाहेंगे कि रोहित चिप उस सेना की टुकड़ी में मौजूद थे और उस समय जब इनकाउंटर शुरू होता है और उस बीच कुछ दौरान जो है लोहा लेते हुए नजर आते हैं और एक आतंकी को मौत के घाट उतारते हैं और जब वो गंभीर रूप से घायल होते हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है और नजदीकी अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स द्वारा जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और इस वक्त मैं जम्मू के नगरोटा में हूँ और नगरोटा का जिक्र करते हैं तो नगरोटा के अंदर सुबह से ही लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ था। हालांकि उनके आखिरी दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनके स्थानीय लोग हों या फिर उनके दोस्त हों या फिर उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य हों, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और पूरी तरह से अगर हम सम्मान की बात करते हैं तो उनको पूरे सैनिक सम्मान का जिक्र करते हैं या जिस तरह से मान दिया जाता है तो उसी तरह से आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। हालांकि कुछ ही समय में जो है जम्मू के अगर हम शमशान घाट का जिक्र करते हैं तो उनके पार्थिव शरीर को वहां ले जाया जाएगा और उन्हें पंचतत्व में जो है वो लीन किया जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यह भी जानकारी आ रही है कि वहां के स्थानीय जो वो नागरिक था जो वहां के घर के अंदर रहने वाला था उस व्यक्ति द्वारा जो है गलत इंफॉर्मेशन देने के कारण जो है ये पूरी घटना घटी है। और पूरी तरह से यहाँ के स्थानीय लोग या जब हमसे बातचीत कर रहे थे उनका ये कहना था कि उस व्यक्ति द्वारा जो है गलत इंफॉर्मेशन दी गई और उस वजह से जो है रोहित जी अपना जो है वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से गंवा चुके हैं। इस समय पूरे शहीद हुए हैं इस कुलगाम इनकाउंटर के अंदर और यहाँ के स्थानीय लोगों की ये मांग है कि जल्द उस व्यक्ति को जो है एक कड़ी कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष तरीके के साथ जांच की जाए। और इन परिवारों को जो है रोहित जी के परिवार का जिक्र करते हैं तो उनके परिवार के अंदर उनकी धर्मपत्नी है, उनकी माता जी है, उनकी बहन है, उनका भाई है। हालांकि 11 महीने हुए थे प्रियंका जी, आप देखिए 11 महीने हुए थे उनकी शादी हुए और उनकी धर्मपत्नी जो है वो गर्भवती है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार के अंदर इस समय शोक की लहर। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल ग्राउंड से तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। अनिल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से बेहद दुखद है, बहुत दिल दहला देने वाला है क्योंकि जिस तरह से अनिल बता रहे थे कि 11 महीने महज उनकी शादी को हुए थे, पत्नी उनकी गर्भवती है और जाहिर तौर पर अब जो माहौल बना हुआ है उसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके घर वालों पर क्या बीत रही है। अब
देते हैं कोरोना के प्रकोप की, क्योंकि चाहे जम्मू हो या फिर कश्मीर, दोनों ही जगह पर जो केसेस है उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी उछाल देखा जा रहा है और महामारी की रफ्तार रोकने के प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और संक्रमण फैलने के कारणों का भी प्रशासन पता नहीं लगा पाया है। तो लगातार हमने देखा कि कल भी जम्मू और कश्मीर से कितने ज्यादा केसेस जो सामने आए और जो एकदम से उछाल देखा जा रहा है काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर एहतियात नहीं बरता गया और इसी तरह से ग्राफ बढ़ता रहा तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हमने देखा कि पूरे देश की बात करें तो कोरोना संक्रमितों के बहुत सारे मामले भी सामने आए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसकी चपेट में आकर अपनी जान भी गंवाई है। तो चलिए रुक करते हैं हम कश्मीर का, जहां पर हमारे साथ इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं। जी इरफान, बताइएगा अगर हम कश्मीर की बात करें तो किस तरह से कोविड को लेकर वहां पर माहौल बना है। देखिए प्रियंका, सबसे पहले बात करें कश्मीर के कोविड के मामलात को लेकर या जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर, हम देख रहे हैं कि अब 1600 से ज्यादा जो केसेस है वो कल रात को यहां दर्ज किए गए हैं। ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्पाइक है और वो स्पाइक जो कि काफी टाइम के बाद आया है, जबकि हम देख रहे थे कि बीच में हालात ऐसे बने थे कि धीरे धीरे कोविड खत्म हो रहा था, यानी लोग समझ रहे थे कि अब कोविड नहीं है, अब कोविड चला जाएगा जल्दी। मगर अब हालात इस वक्त जमीन स्तर पर यह देखने को मिल रहे हैं कि अचानक से यानी 1600 से ज्यादा केसेस, जिसमें जम्मू की बात करें तो 400 के करीब ज्यादा केसेस, श्रीनगर की बात करें तो 300 से भी ज्यादा केसेज, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को लेकर तकरीबन 1600 मार्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त अगर स्थिति संभल नहीं सकती है तो कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है बहुत जल्द अटैक करेगा, जिस तरीके से ऑलरेडी अटैक कर चुका है। यानी कई सारे डिस्ट्रिक्टों में केसेस जो है वो दिखने शुरू हो गए हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा एक प्रेग्नेंट लेडी में वो केस जो है ओमिक्रॉन का दिखाई दिया, या बारामूला को लेकर बात करें वहां पर भी एक ओमिक्रॉन का केस दिखाई दिया एक शख्स में। बिल्कुल, जबकि इसमें धीरे धीरे जो है संभल भी जाते हैं लोग। मगर कल जिस तरीके से खास तौर पर जो माहिरीन है उनका मानना है कि जुकाम को आप लाइटली ना ले, अगर ये जुकाम ओमिक्रॉन से होता है तो इसको 10 times फास्टर अटैक हो जाता है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि इसको बाद में संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या वैक्सीन आपने नहीं किए है, या खास तौर पर अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन मामलों को लेकर कल आप इसे खड़े नहीं उतर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसे आप सुधार नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, जमीनी स्तर पर आप देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर कितनी ज्यादा लापरवाही इस वक्त हो रही है, खासतौर पर गुलमर्ग को लेकर। कल भी हमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गुलमर्ग गंडोला के बाहर एक टिकट काउंटर के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी, वहां पर एक शख्स ने उसको कैप्चर करके वीडियो वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे, और ये दिखाया कि जब आप बाकी चीजों पर हैमर कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर हैमर कर रहे हैं, दीगर रैलीज पर हैमर कर रहे हैं, बाकी चीजों पर हैमर कर रहे हैं, तो यहां पर हैमर क्यों नहीं हो रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं रोका जाता जिन्होंने मास्क ही नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और टूरिस्ट जो कि बाहर से आ रहा है। यहां पर सवाल खड़ा होता है जब आप ट्रैवल मूवमेंट को लेकर बात करते हैं जिसमें एयरलाइंस हो, रोड एक्टिविटी हो, तो क्या ये चूक जो है वहां दिखाई दे रही है कि काउंटर्स में अब लापरवाही दिखाई दे रही है, या खासतौर पर टेस्टिंग रिपोर्ट को लेकर लापरवाही हो रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलर इजीली बाहर से ट्रैवल करके यहां पर पहुंचता है जिसकी रिपोर्ट में जांच पड़ताल नहीं की जाती है? कोई ना कोई ऐसा चूक जरूर है जिसकी वजह से घाटी में अब ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो अब दिखने शुरू हो जाते हैं, कोविड का मामला बढ़ जाता है। अब सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है कमर कस रही है, उन लोगों पर नकेल कस रही है जो इसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कई सारे अफसरान जो है वो सड़कों पर आए, टूरिस्ट को टैक्सी खासतौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन के मामला आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहां पर उन्हें सर्वे किया, चेकिंग किया कि लोगों ने मास्क पहने हैं या भीड़ भाड़ को थोड़ा कम करेंगे। हमें याद है जब इन्होंने अंगूठा देकर यह कहा था लोगों ने कि हम SOPs का पालन करेंगे, और ये कहा था कि SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, बाजाबता तौर पर हम कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग मास्क के साथ होगी, तो क्या ये खाली उस वक्त कमिटमेंट थी? और उन कमिटमेंट्स को लेकर कोविड की जो टास्क टीम है वो कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जो खास तौर पर उस वक्त जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर रहे थे? उसके बाद 3-4 महीने से कहीं नहीं। आजकल सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि पुलिस जो है प्राइवेट कैब को रोककर मास्क पर चालान कर रही है जिसमें एक दो बंदे बैठे हैं। आप ट्रांसपोर्ट का हाल देख लीजिए ना, आप सुमो टैक्सी सर्विस की बात कीजिए ना, आप रेलवे स्टेशन की बात कीजिए, सरकारी दफ्तरों की बात कीजिए, शॉपिंग मॉल्स की बात कीजिए,
स्ट्रीट मार्केट की बात कीजिए, आप वहां जाके लोगों को रोकिए ना, आप उनको भी बोलिए ना कि ये सारी चीजें, क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने एजुकेशन को लेकर बात की, एजुकेशन पर आपने हैमर किया, बच्चे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई पर अब जोर दिया जा रहा है। मगर मुझे ये बताइए कि अगर आपने सरकारी दफ्तरों को लेकर, खास तौर पर अस्पतालों को लेकर ये चीज मॉनिटर की होती पहले से ही, तो ये सारी नौबत नहीं बनती। आप देख लीजिए बस यार्ड को लेकर, बस स्टैंड को लेकर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनते हैं, या वहां पर कोई अपनी टीम खड़ी करके रखी है जो उनको वॉच कर रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, कुछ नहीं। अब इस वक्त टूरिस्ट के साथ साथ लोकलाइज जो है, दोनों ये बात समझ रहे हैं कि कश्मीर में एक साइड से इकोनॉमी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले 2 सालों से, और अगर लॉकडाउन होता है तो कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स या खासतौर पर इंडस्ट्रीज या बाकी जो महकमे हैं उनका मानना है कि कश्मीर खत्म हो जाएगा, दिस कैन नॉट सर्वाइव। अब क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें एक लोकल क्लास लेबर की, जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, कैसे वो सर्वाइव करेगा अगर लॉकडाउन होता है। बिल्कुल, तो शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से इरफान बता रहे थे कि लॉकडाउन की सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसके चलते एहतियातन तौर पर कदम उठाने की जरूरत है और हर किसी को समझने की जरूरत है, एक तरफ से कोविड का प्रकोप, दूसरी ओर से ओमिक्रॉन की एंट्री, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। तो चलिए कश्मीर के बाद अब बात कर लेते हैं सांबा की, क्योंकि सांबा में भी जिस तरह से लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। सांबा में कोरोना संक्रमित का शतक पूरा होने पर एक्शन में पुलिस आई है और सांबा में 101 एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या पहुंच चुकी है। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं और बार बार समझाने के बावजूद भी लोग हट नहीं छोड़ रहे हैं, तो लोगों की ये जिद लोगों पर ही भारी ना पड़ जाए, इसीलिए पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, कोविड एसओपीज का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस है उनको समझाते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ चालान काटते हुए नजर आ रही है जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है। और सांबा में अभी तक एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या 101 पहुंच चुकी है और जिस तरह से अभी तक बहुत समझाया बुझाया गया कि सांबा में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियात बरते हैं, अब जब लोग नहीं समझ रहे हैं तो अब चालान काटे जा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं सांबा से, ऋषि खजूरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि बताइएगा, क्योंकि इस वक्त तस्वीरों में हम देख रहे हैं पुलिस एक्शन मोड पे है, केसेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, अब ये थम जाए इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आप तरह से जिला सांबा में अब लगातार कोविड केसेस का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसके चलते जो टोटल टैली बता रही है कि यहाँ 100 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। और पिछले कल का अपडेट करें, जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डाटा रिलीज किया गया, जिसमें 30 केसेज जो वो एक दिन में यहाँ कोविड पॉजिटिव सामने आए हैं, तो यहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन जो बनना शुरू हो चुकी है। इसी बीच प्रशासन ने भी कमर कस ली है कि लगातार अभियान को तेज किया जाए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोग बिना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके बाजारों का रुख कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस का रुख कर रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग जो है वो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से उनके चालान काटे जा रहे हैं पुलिस विभाग की तरफ से। और यहाँ पर कई लोग पुलिस से छुपते छुपाते जो वो चले जाते हैं, मात्र एक रुमाल से अपना मुंह ढककर, या जो फीमेल्स गुजरती है वो अपना दुपट्टे से मुंह ढक लेती है। ये बताया जा रहा है कि हमने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया, लेकिन शायद जो लगातार इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है ये काफी घातक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। हालांकि अब टोटल केसेस की बात करें, जितने भी अभी केसेस हैं इसमें राहत की खबर ये है कि सभी के सभी होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं, अस्पतालों में भी आने की कोई नौबत नहीं पड़ी। लेकिन अगर इसी तरह से आंकड़ा स्पीड में आता रहा, या जिस तरह से केसेस लगातार स्पीड में आ रहे हैं और स्प्रेड होना शुरू हो चुका है काफी बड़ी तादाद में, तो केसेस का ग्राफ और ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लेकिन इससे लोगों को सीख लेने की ये जरूरत है कि अगर ये लोग सेफ रहते हैं, उनका परिवार सेफ रहेगा, सोसाइटी लोकैलिटी के लोग सेफ रहेंगे, और तमाम वो पाबंदियां जो लगातार लगाई जा रही है उन एरियाज में यहाँ से लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। और खासतौर पर प्रशासन के एंड पर बात करें तो प्रशासन और लोगों का तालमेल यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है, यानी ताली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजती है। तो प्रशासन एक तरफ पाबंदियां लागू कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फॉलो नहीं कर रहे और तमाम इस तरह की प्रक्रिया से उनको भी गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड की तीसरी लहर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दस्तक दे सकती है, मुझे लगता है कि ये दस्तक दे चुकी है और ये धीरे धीरे अब स्प्रेड होना शुरू हो चुका है, जिसके चलते सांबा जिला में भी पिछले 7 से 8 दिन का ये जो आंकड़ा है ये सामने आया कि 100 का आंकड़ा
जिला सामा में क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पर एहतियात बरतने की काफी जी शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से वो बता रहे थे कि लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोविड केसेस का जो ग्राफ है वो थम जाए। जम्मू के रूपनगर में जो जेडीए द्वारा कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ राजौरी में अब नारे लगने शुरू हो गए हैं। राजौरी की खबर से हम आपको रूबरू कर रहे हैं, जहां पर खबर सामने आ रही है कि जम्मू के रूपनगर में जेडीए की कार्रवाई के खिलाफ राजौरी में नारे लग रहे हैं और पूर्व विधायक चौधरी कमर हुसैन ने अपने साथियों के साथ प्रदर्शन किया है। जेडीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है और समुदाय विशेष को बार बार निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को बार बार टारगेट करने का जो आरोप लग रहा है, तो जेडीए के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाने की मांग उठाई जा रही है। पूर्व विधायक चौधरी कमर हुसैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पर प्रदर्शन किया है और लगातार तस्वीरें नारेबाजी की सामने आ रही हैं। और जम्मू के रूपनगर में आपको याद होगा कि हाल ही में जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ राजौरी में नारे लगाए जा रहे हैं, जो इस वक्त साफ तौर पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ जो नारेबाजी की जा रही है और खबर सामने आ रही है कि पूर्व विधायक चौधरी कमर हुसैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्रदर्शन किया है और उनका कहना है, उनकी मांग है कि जेडीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि समुदाय विशेष को बार बार निशाना बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं राजौरी का, हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जी जमशेद, बताइएगा किस तरह का माहौल राजौरी में देखने को मिल रहा है जब से जम्मू में जेडीए की कार्रवाई हुई है। जी जमशेद जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, तो किस तरह का माहौल राजौरी में देखने को मिल रहा है जब से जम्मू में जेडीए द्वारा कार्रवाई की गई है? प्रियंका बिल्कुल, जेडीए की तरफ से जो रूपनगर में कार्रवाई की गई इसके खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में हम कहें प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और राजौरी में मुख्तलिफ जगह पे आज सुबह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीडीपी की तरफ से भी इस वक्त प्रोटेस्ट किया गया, थोड़ी देर पहले इस वक्त हमारे साथ पीडीपी सीनियर लीडर है, इनसे भी जानेंगे। सर क्या प्रोटेस्ट लेके आपके यहाँ? देखिए कल रूपनगर में जो जेडीए की तरफ से एक डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई गई और उस ड्राइव में अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो वहां के जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनके वहां मकान गिराए गए उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको कोई उससे पहले जो है वार्निंग नहीं दी गई। अचानक से जेडीए की मशीनें वहां जाती हैं और जो वहां के गरीब लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी की अपनी पूंजी जमा करके वहां अपने दो दो कमरे खड़े किए थे उनको सबको जो है वो बाहर निकाला गया। उनको इतना वक्त नहीं दिया गया कि उनके जो उनका जो सामान है उनके बच्चे जो हैं उनको सेफली वहां से निकाला जाए और वहां पर अपनी मशीनें लगा के उनके मकान गिराए गए, उनको वहां से अविक्त किया गया। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो इस तरह की हरकतें जो हैं वो मरकजी सरकार और यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ अकलीती तबका जो जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मैं ये इसको कहूंगा सिलेक्टिव टारगेटिंग जो की जाती है तो उसके उनको जो है वो लोगों को बाहर निकाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि जेडीए को अगर कोई कार्रवाई वहां पर करनी है उसके लिए कानून मौजूद है, कानून में कानूनी तौर पर उनको नोटिस दिया जाता है, उनको वार्निंग दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को आप बेघर कर रहे हैं, होमलेस कर रहे हैं, उन लोगों का आपने इंतजाम किया होना चाहिए कि आप दूसरी जगह उनको कहां शिफ्ट कर रहे हैं। इस सर्दी के माहौल में, इस कड़ाके की ठंड में जो है छोटे छोटे बच्चों को आपने बेघर कर दिया है, ये बेसिकली जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मुझे लगता है आग लगाना चाहती है और अकलियत को जो है वो ज्यादा जो है इसके ऊपर जो है वो जुल्म सितम जो है वो शुरू किया हुआ है। आज हमने यहां प्रोटेस्ट भी किया और मैं ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये इस तरह का जुल्म सितम जो है वो मुसलमानों के ऊपर बंद नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि ये हमें जो है वो रोड्स पर आना पड़ेगा और ये एहतजाज जो है ये बहुत ज्यादा मतलब वसी पैमाने पर चला जाएगा और इसको रोकना जो है वो सरकार को जो है वो मुश्किल होगा और ये सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की हो।
प्रियंका देखा बिल्कुल देख सकते होंगे कितना गुस्सा है लोगों में जम्मू के जेडीए के खिलाफ, जिस तरह कल से ही देख रहे हैं हम राजौरी पुंछ में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी, और आज भी देखा हमने सुबह से ही कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं जिस तरह की इनकी तरफ से बातें कही जा रही है। जी प्रियंका जी शुक्रिया जमशेद ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से जमशेद ने जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे बातचीत भी की और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका गुस्सा फूटा है और उनका कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के परिवन में बुधवार देर शाम को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी की पहचान आज कर ली गई है। मारे गए आतंकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था जिसकी पहचान मारे गए बाबर के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक एके राइफल, एक पिस्तल और दो ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बाबर 2018 से शोपियां और कुलगाम जिले में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस मुठभेड़ में बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रोहित चिप शहीद हो गए थे जबकि 3 जवान और 2 सिविलियन घायल भी हुए थे। इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी, सेना के 34 आरआर व सीआरपीएफ के 18वीं बटालियन के जवानों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 13 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या करीबन 100 पहुंच चुकी है। जीएमसी अस्पताल में 28, डीआरडीओ में 52, अस्पताल में 17 मरीजों का इलाज चल रहा है और अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों से कुल 27 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 13 पेशेंट जो है कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 27 पेशेंट जो है वो ठीक होके हमने डिस्चार्ज किए हैं। अभी कुल मिलाकर हमारे पास 97 पेशेंट जो है एडमिटेड हैं, उनमें से 28 हमारे मेडिकल कॉलेज बक्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं, 17 पेशेंट्स एमसीएच गांधीनगर में हैं और 52 पेशेंट्स हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि वो सब स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने के बाद अपने घरों को चले जाएंगे। आपके माध्यम से बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है इस कोविड-19 की पैंडेमिक को खत्म करने में अपना सहयोग जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके लिए आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क पहनने के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखिए और अननेसेसरी घर से बाहर निकलने का इस समय बिल्कुल टाइम नहीं है। सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करिए, क्राउडेड प्लेसेस में जाने से जो है अपने आप को रोकना चाहिए। मॉल्स में जाना है या शादियों में जाना है या कोई पार्टीज करना है, ये चीजें जो है इस समय है अवॉइड करना चाहिए। तो जाकि ये जो 1-2 महीने का टाइम है ये अगर निकल जाएगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हम जरूर जो है इस जो आने वाली थर्ड वेव है उससे जो है नुकसान उठाने से जरूर बच सकेंगे। मैदानी इलाकों में लगातार बारिशों के बाद जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में आज छाई घनी धुंध ने लोगों को काम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। धुंध से जहां लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए और उधर हाल ही में हुई बारिशों के बाद जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में फिर से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16 और 17 जनवरी को सक्रिय होगा जिसके चलते इस केंद्र शासित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उधर दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 18 और 20 जनवरी जबकि तीसरा व सबसे शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 जनवरी के बाद सक्रिय होने जा रहा है। जब मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकला तो इतना ज्यादा कोहरा था, जहां मेरे को रोज जाने में कम से कम 15 मिनट लगते थे, आज मुझे वहां पर जाने में 45 मिनट लग गए, इतना ज्यादा कोहरा था। ये कोहरा देख के अच्छा भी लगा और कोहरे में घूम के ठंड भी काफी लगी, अच्छी भी बात है और खुशी की बात भी है।
प्रशासन से एक थोड़ा सा चाहेंगे कि इस कोहरे के दौरान जो सुबह सुबह या रात को जो लाइटें होती हैं रोड्स पे वो लगातार चलती रहे, क्योंकि लोगों को इस कोहरे के कारण काफी परेशानी हो सकती है। आज 10:30 बजे आना पड़ा क्योंकि इतना कोहरा था, विजिबिलिटी थी नहीं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण चिनैनी के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है और स्थानीय लोगों के मुताबिक विस्तारीकरण के कार्य के कारण जहां उनकी बड़े पैमाने पर खेती योग्य जमीन बर्बाद हो गई है, वहीं अब उनके रिहायशी मकान भी हाईवे की भेंट चढ़ रहे हैं। लेकिन ना तो उन्हें अभी तक जमीनों का मुआवजा मिला और न ही उनके मकानों के नुकसान की कोई भरपाई हुई। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 वर्षों से मुआवजे के नाम पर केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं और पीड़ित लोगों ने हाईवे के निर्माण में जुटी एजेंसियों और राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। इन लोगों का आरोप था कि हाईवे के विस्तारीकरण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। टीम आई हुई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से नेशनल हाईवे 244 पे कि लोगों का जो जानवर नुकसान हुआ है, 2 साल से यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपका, अभी तक ये लोग हमारी पेमेंटिंग कर पाए तो मकानों का कहां से ये डैमेज का भरेंगे। कम से कम भी 20 मकान इनकी वजह से पूरे डैमेज हो चुके हैं, जो ब्रेकर लगाने की वजह से हैं, लोगों के करोड़ करोड़ रुपए के मकान को नुकसान कर दिए। अभी तक जमीन की पेमेंट नहीं दे पाए ये लोग, तो मकानों की भरवाई कहां से देंगे। सिर्फ आश्वासन देते हैं 2 साल से। हमने डीसी ऑफिस के 10 चक्कर काट चुके हैं, एसडीएम हमारे देखते देखते 3 ट्रांसफर हो गए यहां से, सिर्फ आश्वासन की, सिर्फ 15 दिन में। जब इन्होंने इनको हमने आज पूछा कि हमारी पेमेंट सर कब होगी, बस सर 15 दिन के बाद हो जाएगी। 2 साल के बाद भी यही रिस्पांस है इनका कि सर 15 दिन के बाद होगी। हमें क्लियर पूछने का अधिकार नहीं है कि हमारी पेमेंट कितनी बनी है। जब इनको पूछते हैं हम कहते हैं कि आपको बताना जरूरी नहीं समझते हम, ये इनका रिस्पांस आता है आगे से। ये जो ब्रिज बन रहा है, सेकंड ब्रिज बन रहा है 244 के ऊपर, हमारे पास कुछ इनके ऐसे एविडेंस है जिस एविडेंस के आधार पर यह पूरा करप्ट है। क्लाइंट उस टाइम कोई नहीं आती है, नेशनल हाईवे डीजीएम साहब हमारे सो जाते हैं गहरी नींद में, और करोड़ों रुपए के गफले होते हैं हमारे देखते हुए। जहां पे कंक्रीट होनी चाहिए वहां पे मिट्टी डाली जाती है। नेशनल हाईवे का कोई अधिकारी वहां पे मौके पे नहीं आता, सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। पैसा मिल जाता है कोई पूछता नहीं है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो नेशनल हाईवे से बात करते हो, कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करते हो, कहते हैं जी हमने नेशनल हाईवे को कह दिया जी, हम कंपनी को आगे करते हैं। जब कंपनी के अधिकारियों से बात करते हो बदतमीजी से बात करते हैं, धमकियां दी जाती है हम लोगों को। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।